कल इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार किया। कौन है विजय नायर? आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है, हमारा कम्युनिकेशन का काम देखता है। पहले इसने पंजाब में बहुत अच्छा काम किया था, पंजाब में हमारी सरकार बन गई। अब विजय गुजरात का कम्युनिकेशन संभाल रहा था, गुजरात की सारी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाता था, गुजरात का सोशल मीडिया देख रहा था। उसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। कह रहे हैं कि उसने शराब घोटाला किया है दिल्ली में। मुझे समझ नहीं आता उसका शराब या शराब घोटाले से क्या लेना देना है। वो तो गुजरात का सोशल मीडिया देखता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता है। पिछले कुछ दिनों से उसको रोज पूछताछ के लिए बुला रहे थे लोग, उस पर जबरदस्ती जोर जबरदस्ती डाला जा रहा था कि झूठ मूठ मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, नहीं तो तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। पर वो आम आदमी पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता है, उसने झूठ बोलने से इनकार कर दिया, इसलिए कल इसको गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड की, कुछ नहीं मिला। मनीष जी के बैंक लॉकर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। अब ये इस तरह से जोर जबरदस्ती करके मनीष सिसोदिया को फंसाना चाहते हैं। इन्होंने विजय नायर के घर पे एक महीने में दो दो बार रेड की, वहां भी कुछ नहीं मिला। बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं ये लोग, पागल हो गए हैं, क्योंकि गुजरात में हर रोज आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। गुजरात के लोग इनको अब खुल के सड़कों पर गालियां दे रहे हैं, इसलिए ये आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहते हैं। 24 घंटे ये लोग बस यही सोचते रहते हैं कि आम आदमी पार्टी को कैसे कुचला जाए। पहले उन्होंने सतेंद्र जैन को एक पूरे फर्जी केस में गिरफ्तार किया, फिर उन्होंने अमानतुल्ला को एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया, कल इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया। अब अगले हफ्ते ये लोग मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं। अगर इन्होंने विजय नायर जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है तो ये लोग किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। आज मेरी आम आदमी पार्टी के देश भर के हर कार्यकर्ता से अपील है, अगर विजय नायर गिरफ्तार हो सकता है तो आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता गिरफ्तार हो सकता है। सभी कार्यकर्ता गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। ये लोग आपके ऊपर भी झूठा केस लगा के आपको गिरफ्तार करेंगे। देश भर के कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हैं, खासकर गुजरात के कार्यकर्ता तैयार हैं। आज भगत सिंह का जन्मदिन है, रह रह के उनके संघर्ष और उनकी कुर्बानी की याद आ रही है। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए सर्वोच्च कुर्बानी दी थी, हंसते हंसते वो 23 साल का शख्स फांसी पे चढ़ गया। हमें भगत सिंह के बलिदान से प्रेरणा लेनी है, ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। भगत सिंह देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए लड़े थे, हमें इन लुटेरों से देश को आज़ाद कराना है। खुलेआम देश भर में घूम घूम कर MLA खरीदने वालों से देश को आज़ाद कराना है। ये लोग खुलेआम देश का पैसा लूट के विदेशों में ले जा रहे हैं। जितना अंग्रेज़ों ने भारत माँ को 200 साल में नहीं लूटा, उससे कई गुना ज़्यादा इन्होंने देश को 75 साल में लूट लिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।